आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के हिंदी क्षितिज पुस्तिका का अध्याय 9, जिसका नाम है संगतकार और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। देखो बच्चा, मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल यानी उत्तरांचल, जिसे आज आप उत्तराखंड के नाम से भी जानते हो, वहीं के काफल पानी गांव में हुआ था। यानी हमें इनका जन्म याद रखना है, वह क्या है, वह है 1948 यानी 1948। अब बात करते हैं इनके शिक्षा दीक्षा की। तो इनकी जो पढ़ाई है बच्चा, वह हुई थी देहरादून में, जो कि हमारे उत्तरांचल की राजधानी है। दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। यानी कि भोपाल में जो भारत भवन है, वहां से जो प्रकाशित होती थी आपके पूर्वाग्रह, उसमें ये क्या हो गए, ये सहायक संपादक का इन्होंने जॉब करा। इसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन इन्होंने नौकरी करी। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में कुछ साहित्य संपादक का पद संभाला। यानी कि 1983 में जनसत्ता जो अखबार है, उनमें इन्होंने साहित्य संपादक का जो पोस्ट है उन्होंने संभाला। और कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। यानी अभी ये किससे जुड़े हुए हैं, तो अभी के प्रेजेंट टाइम में ये जो है वह नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। अब अगर मंगलेश डबराल जी की कविता के बारे में बात कही जाए, तो इनके जो 4 कविता संग्रह है वह प्रकाशित हुई है, जिसमें नाम है आपका पहला पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये जो है इनकी कविता संग्रह है और इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह भी मिल चुका है। और पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। यानी कि ये जो है वह एक तरह से अनुवादक के रूप में भी इनको लोग जानते हैं। अगर इनकी कविताओं की बात की जाए, तो इनकी कविताओं में भारतीय भाषाओं का आपको देखने को तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो भारतीय भाषाओं के अलावा इन्होंने अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी दैट मीन स्पेनिश और पोल्स्की और बल्गेरी दैट इज बल्गेरियन, इन सभी लैंग्वेजेस में इनके जो कविताएं हैं वह प्रकाशित हो चुकी हैं। अब अगर बात कही जाए कि इन भाषाओं के अनुवाद भी जो है वो अनुवाद के रूप में, मतलब इनके जो कविताएं हैं वो प्रकाशित हो चुकी है। अब अगर बात कही जाए कि कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य में सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पे, यानी कि हमारी जो कल्चर है उसके उसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं उनके ऊपर भी इनका नियमित जो है वो इसके ऊपर लिखा करते हैं। अब मंगलेश डबराल जी की कविताओं में अगर बात कही जाए, तो सामंती बोध और पूंजीवाद छल छदम दोनों का प्रतिकार है। यानी इसमें जो है पर आप देखते हो समाज में जो भी चीज़ें हैं उन सभी, एक तो आप बोल सकते हो कि समाज की जो भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को ये अपनी कविताओं में जो है वह पेश करते हैं। अब अगर बात की जाए, यह एक प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। यानी यह जो है हमारे समाज में जो भी घटनाएं जो होती है उसके विपरीत, अगर आप कह दो कि भाई हम तो भाई चिल्लाकर बदला लेंगे, तो ये चिल्लाकर बदला लेने वालों में से नहीं है, ये शोर शराबे से बदला लेने वाले नहीं है, बल्कि ये अपनी कविता के माध्यम से प्रतिकार अपना लेते हैं। और इनका जो सौंदर्य बोध अगर बात की जाए, तो काफी सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। यानी इनकी भाषा से साफ पता चलता है कि ये किस तरह की इनकी सोच है, इनकी विचार है। क्योंकि यहाँ पे आप जब देखते हो तो इनको जो लिखने का जो नज़रिया है, इनका जो सोचने का नज़रिया है, वो आपको बताता है कि ये जो है समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर ये बिल्कुल पारदर्शी हैं। मतलब कभी किसी का ऐसा नहीं कि किसी एक का पक्ष ले लिया, किसी का पक्ष नहीं लिया, जो सही है वो सही है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग संगतकार कविता के ऊपर। अब बात करते हैं संगतकार कविता की। तो इसमें जो है संगतकार जो कविता है, इसमें जो गायक जब होते हैं, तो गायक के साथ जो गाने वाले, जो आपने देखा होगा कि बहुत बार जो मेन गायक होते हैं उनके साथ भी एक बंदा होता है जो उनके गाने में साथ देता है, जैसे कि हम लोग संगतकार कहते हैं। और हमारे कवि जो मंगलेश डबराल जी जो है वो उन्होंने उन्हीं की भूमिका के ऊपर जो है अपना महत्व, उनका महत्व क्या है इसके ऊपर विचार किया। कहने का मतलब यह है कि हम सभी, आपने कभी न कभी किसी ने
किसी शो में या कहीं ना कहीं आपने देखा जरूर होगा कि कोई संगीतकार जो है बहुत बड़ा संगीतकार है वो गाना गाता है, लेकिन उसके साथ ही एक बंदा ऐसा भी होता है जो कि उसके पीछे पीछे जो है वह सुर में सुर लगाता है। हम लोग भाई मेन हमारा फोकस रहता है कि यार बड़ा संगीतकार है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके साथ जो बंदा है जिसको कि हम संगीतकार बोल रहे हैं उसके भी तो कुछ महत्व होंगे ना, उसके भी तो कुछ रोल होंगे। और इसी के माध्यम से यहाँ पे इस कविता के माध्यम से जो है वह बताना चाहते हैं, जैसे को दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो सही ही है, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम में जैसे को कहीं आप नाटक देखते हो या मूवीज देखते हो या फिर कहीं म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, आप वो सारे सुनते हो या देखते हो, तो आप और हमारा जो मेन फोकस होता है, अगर हम कोई नाटक देख रहे हैं तो उसमें मेन जो लीड रोल है उनको हम देखते हैं, या फिर फिल्म देख रहे हैं तो उसमें कोई एक्टर है एक्ट्रेस है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हमारा उन्हीं की तरफ होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो नाटक या फिर वो मूवी वो फिल्म जो है या फिर वह संगीत जो है, अब अगर वो बंदा अगर पेश कर रहा है तो उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत लगी हुई है, सिर्फ वह अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दिन रात की मेहनत जुटी हुई है उसके पीछे। तो यहाँ पे हमारे जो कवि जो हैं वह अपने कविता के माध्यम से उन लोगों की, जिन लोगों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों की जो क्या इम्पोर्टेंस है वह बताने की इन्होंने कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं मानवीयता है। संगीत को सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो इसे हम सबके सामने घटित होता देख रहे हो। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत चीज़ें अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो आप पता लगेगा कि चलो आप मान लो कोई आप सीरियल देखते हो या फिर आप मूवी देखते हो या फिर कहीं आप म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हो, तो अगर सीरियल की अगर बात करें तो सोचो हम लोग जो सीरियल पे जितने भी हम लोग कास्ट को देख रहे होते हैं, बोलते हैं अरे यार ये मेरा फेवरेट कास्ट है, ये मेरा फेवरेट रोल मतलब किरदार है, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोग अपने जो है अपनी थ्योरी बना लेते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये जो बंदा जो काम कर रहा है उसके पीछे बहुत से लोग हैं, काइंड ऑफ कैमरा मैन हो गए या फिर जो साज सजावट जो लोग कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। क्या हम लोग कभी उनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते हम लोगों ने, इवन हम लोग तो ये तक हम लोग ज़रूरी नहीं समझते भाई कि उसके पीछे बंदा कौन है, हम लोग यार ठीक है ना सामने बंदा जो है एक्टिंग कर रहा है वो बेटर है। तो देखो ऐसा अगर मान लो कि वो जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे तो इसमें उनकी कमजोरी नहीं है, इनमें उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि इसमें उनकी क्या है, इसमें उनकी आप बोल सकते हो ह्यूमैनिटी है, उनकी एक मतलब आप बोल सकते हो ना उनका एक डिसेंट बिहेवियर है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर सामने आता है जहाँ पे वो अपनी, सोचो आप अगर कोई सीरियल देख रहे हो उसमें किसी आर्टिस्ट का आपको मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन सोचो ना वो मेकअप करा किसने, वो मेकअप आर्टिस्ट ने करा। कोई आप मूवी सुन रहे हो, कोई आप मूवी देख रहे हो उसमें गाना है, आपको गाना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस गाना को बनाया किसने, उस गाने को गाया किसने, इन लोगों के भी तो काफी अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना, तो बस वही बताने की कोशिश करी गई है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी कविता की तरफ। कविता है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है
और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है हमारी कविता में जो कहा ये जा रहा है कि हमारे जो मुख्य जो हमारे संगीतकार जो यहाँ जो इस कविता में अगर बात हम कही जाए कि हमारे जो मुख्य संगीतकार जो होते हैं जिनका हम लोग अक्सर गाना सुनते हैं उनके जो संगीत हम लोग सुनते हैं उनकी अगर बात कही जाए तो उनके साथ जो उनका साथ देने वाला जो व्यक्ति जो होता है जैसे आप देखते होंगे कि हमारे संगीतकार होते हैं उनका आवाज़ काफ़ी मतलब बुलंद होता है काफ़ी दूर काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है मसोदम उन्हीं की आवाज़ हम सुनते हैं ना तो बात कही जा रही है कि उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद होती है और उन्हीं के पीछे एक सुंदर और कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ जो होती है वह किसका होता है वह संगीतकार का होता है और वह संगीतकार कोई और नहीं हो सकता है वो उस गायक का वो जो मुख्य गायक है उसका छोटा भाई हो सकता है उसका शिष्य हो सकता है वह शिष्य जो उससे सीख रहा हो या फिर उसका दूर का कोई रिश्तेदार जो कि उसके यहाँ चल कर आया है सीखने के लिए। और मुख्य गायक की गरज में यानी मुख्य गायक के साथ जो है वह क्या करता है वह अपने शुरू से ही वह अपनी आवाज़ जो है वह मिलाते आ रहा है यानी शुरू से ही वह क्या करता आ रहा है वह अपनी आवाज़ जो है वह मिलाते आता है यानी कि उनका साथ देता आता है कब से बहुत ही समय से। और इस समय में अगर बात कही जाए कि जब हमारे मुख्य गायक क्या कर रहे होते हैं जब हमारे मुख्य गायक अपने सुर के साथ अपने सुर की दुनिया में खो जाते हैं आपने देखा होगा कभी कि कुछ कुछ ऐसे आपके सिंगर्स होते हैं जो कि ऊंचा तान लेते हैं और एकदम मतलब गाते हैं तो मतलब एकदम ऊंचा स्केल पे चले जाते हैं गाते हुए और वहां से डायरेक्ट अपनी आवाज़ को फिर से एक नॉर्मल जो है उस फेज पे ला पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाते हैं। तो उस दौरान उनकी आवाज़ को उस दौरान जो है वो लय जो है वह बिगड़ ना जाए इन सभी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है इन सभी चीज़ों का ख्याल वह संगीतकार रखता है यानी कि जब जब हमारे जो मुख्य संगीतकार अपने ही संगीत में खो जाते हैं उस समय उनका साथ देने वाला संगीतकार ही होता है बिल्कुल वैसे जैसे मानो कि वह संगीतकार के ही जो है वह क्या कर रहा हो उनके बिखरे हुए जो सामान हैं उनके ऐसे उनके जो जैसे हम कुछ लोग आगे चल जाते हैं अपने सामान छोड़ के तो उनके सामान को जो है पीछे वाला बंदा जो है समेट समेट के लेकर जा रहा है उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही जब मुख्य संगीतकार जो है अपने बिल्कुल स्वर्ग दुनिया में खो चुके हैं उनको दुनिया का कोई ये नहीं है ये भी भूल गए कि भैया हम गाने बैठे हैं और वो अपनी दुनिया में मगन है उस समय सिर्फ एक संगीतकार ही होता है जो उनको याद दिलाता है कि भाई अब जरा थम जाओ अब जरा थम जाओ सामने तुम क्या आए हो सामने तुम तुम्हारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं तुम्हारा संगीत सुनने के लिए तो तुम अब थम जाओ अब तुम अपनी दुनिया में वापस आ जाओ जो तुम संगीत में खो चुके हो वो तुम वापस आ जाओ यानी उस समय जो है उसका बचपन याद दिलाता है जब वह नौसिखिया था यानी नौसिखे ऐसा नहीं है यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा नहीं है कि हमारे जो संगीतकार जो होते हैं हमारे वो जो बिल्कुल सीखे हुए ऑब्वियसली बहुत सीखे हुए रहते हैं लेकिन संगीतकार जो है वह अपनी आवाज़ से मधुर आवाज़ से उनकी दबी हुई जो आवाज़ होती है उनसे उनसे वह उनको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं भैया अब आ जाओ सामने तुम्हारे दर्शक बैठे हुए हैं तो ऐसा कुछ होता है। और जब तार सप्तक में यानी जब सबसे हाई स्केल जो होती है उसकी बात कही जा रही है उस समय जब उनका गला बैठने लगता है हमारे जो संगीतकार का जब गला बैठने लगता है उस समय जो हमारे मुख्य गायक जो है उनका जब गला बैठने लगता है उस समय क्या होता है कि हमारा जो संगीतकार जो है उसी की जो मधुर आवाज़ है धीमी आवाज़ जो है वह हमारे मुख्य गायक के लिए प्रेरणा बनती है और उनके उनका जो है वह साथ देती है और सुर के सुर मिलाकर वो जो है बंदा चल रहा होता है उनके साथ और कभी कभी तो वो ऐसे ही साथ दे देते हैं ये बताने के लिए कि भैया तुम अकेले नहीं हो यानी कि अगर तुम्हारा गला अगर उखड़ रहा है तो सिंपल सी बात है ना बच्चा जी अगर उन बीच में किसी का गला उखड़ जाएगा यानी कि उनका सुर बिगड़ जाएगा तो सामने जो दर्शक जो बैठे हुए हैं उन्हें तो किसी तरह का आनंद आएगा नहीं और वो तो चले जाएंगे सिंपल सी बात है ना कोई भी बंदा जाता है तो आनंद लेने के लिए तो जाता है भाई उनको क्या चाहिए उनको भाई मनोरंजन उनको चाहिए अगर कहीं से भी मान लो कोई अगर सिंगर अगर गा रहा है आपको किस तरह का अगर आनंद अगर वो ना दे तो आप ऑब्वियसली आप नेक्स्ट टाइम से आप उसको नहीं सुनने जाओगे
तो यहाँ पे जो संगतकार जो होते हैं वो मुख्य गायक को बस क्या करते हैं, वो एक सपोर्ट देते हैं और यह बताने के लिए कि भैया तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो तुम्हारे जो तुमने हाई स्केल पे जब तुमने गाया, तुम्हारा गला जो उतना ऊंचा गया और तुम जो हो कुछ टाइम के लिए तुम्हारे गले जो आ गई, खराश आ गई, या फिर तुम कुछ टाइम के लिए तुम्हारा गला बैठ गया, तो भाई उस समय को संभालने के लिए हम हैं। फिर से तुम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाओ और फिर से तुम गाना शुरू करो, यानी तुम्हारा साथ देने के लिए जो तुम गाना तुम छोड़े थे वो गाना फिर से तुम गा सकते हो। और यहाँ पे जो है हमारे कवि कहते हैं कि इस तरह से हमारा जो संगतकार जो है वो अपने मुख्य गायक को क्या करता है, हिम्मत देता है, उसे उसके जो बुझती हुई आशा जो है उसको वो क्या कहता है, उसको वो उम्मीद देता है कि यहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही हूँ। और यहाँ पे जो तुम गा रहे हो लोगों के सामने, जो तुम ये अपना जो तुम्हारा गाना जो तुम पेश कर रहे हो, तो इस ये जो एक तरह का अनुष्ठान है, एक तरह का यज्ञ है, एक तरह की जो पूजा है, इसमें जो है हम तुम्हारे बिल्कुल साथ है और तुम्हें जो है किसी तरह से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक आप बात कर सको कि ये जो हमारे संगतकार होते हैं उनकी आवाज़ में थोड़ी हिचक आपको ज़रूर सुनाई देती है। क्यों वो हिचक, क्या उनके ऐसा थोड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस संगतकार को कुछ नहीं आता। अरे भैया उनको आता है, लेकिन उन्हें उन्हें जो है वह डर लगा रहता है, उन्हें हिचक रहती है, उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका जो स्वर जो है वह मुख्य गायक से ऊँचा ना हो जाए, उनका जो स्वर है वह मुख्य गायक से ऊंचा ना हो जाए। और जो सामने जो लोग बैठे हैं वो तो मुख्य गायक को ही सुनने आए हैं ना, तो इसका जो काम है मोस्ट ऑफ द कि मुख्य गायक को सपोर्ट करना। और इनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इनका स्वर जो है, संगतकार का जो स्वर जो है वह मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए, इसीलिए उनकी आवाज़ में आपको हिचक साफ साफ सुनाई देती है। और इससे पीछे आप ये नहीं कह सकते हो, इसके पीछे उनकी कोई विफलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पे उसकी मनुष्यता है, ये उनकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। यानी सोचो कि सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ होते हुए कि भाई वो जानता है कि सामने जो बैठा हुआ दर्शक जो है वो वाह वाह अगर कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य गायक के लिए ही कर रहा है, लेकिन हमारा जो संगतकार जो है वह क्या करता है, वो अपने मुख्य गायक का साथ देता है, ये जानते हुए भी कि सामने कोई बंदा जो है मेरे पर ध्यान भी नहीं देने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है, तो उसे भी हमें वैल्यू देना चाहिए। और हमारे जो कवि जो मंगलेश डबराल जी जो हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से हम बाकी के चीज़ों में हम देखते हैं, मुख्य रूप से जिन्हें भी हम देखते हैं, चाहे वह नायक हो, संगीतकार हो या जो भी हो, हम सिर्फ उस मुख्य पात्र को ही हमें इम्पॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, हमें उनके पीछे और लोग जो मेहनत कर रहे हैं हमें उनके भी इम्पॉर्टेंस को समझनी चाहिए। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।